स्पिनिंग पंजाब का स्पैशल प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ लखविंदर सिंह मां लैके हाजिर हाँ पंजाब की राजनीति दियां कुछ बड़ियां ते अहम खबरां। सब तो पहला गलबात करांगे कांग्रेस दे विच चल रहे रेड़के नूं खत्म करन दी हाई कमान दे वल्लों एक बड़ी पहल दी। तो गल कर रहे हैं जी चंडीगढ़ दे विच कल रात देर रात तक सीएम चन्नी अते नवजोत सिंह सिद्धू दे विच एक मीटिंग चली कि मीटिंग तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू दीआं नाराजगियां दूर हो चुकियां ने कि चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल उन्हां दे जो दूरियां बणी हुई सी ओह नज़दीके विच बदल जाणगियां। इस बारे गलबात करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे कैबिनेट दी अज इक अहम मीटिंग दी जो कि सवेरे 9 बजे शुरू होएगी सकत्रे दे विच। सो उस बारे गलबात करांगे किन्ना मुद्दिआं उपर इह मैट जो बैठक है अज उहदे उपर गलबात होएगी, किन्ना मुद्दिआं दी गल इस बैठक दे विच होएगी इस बारे गलबात करांगे। ते गलबात करन दे लई मैं नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर मनजीत अणखी जी, सब तो पहला उन्होंने स्वागत करा। अणखी जी स्वागत है प्रोग्राम च, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अणखी साहब जिवें लंबे टाइम तो कांग्रेस विच इक रेड़का चल रहा है, पंजाब कांग्रेस की गल करिए, नवजोत सिंह सिद्धू अते सीएम चन्नी दे विच दूरियां बरकरार ने, जेकर एक बंदा उत्तर पासे जांदा तां दूजा दक्षण पासे जांदा, इन्हां दूरियां नूं लै के इस रेड़के नूं लै के राहुल गांधी दे नाल वी नवजोत सिंह सिद्धू की एक बैठक हुई सी जिहदे विच उन्होंने कहा कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। बावजूद इसके उन्होंने वालों सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी गई जिस विच फिर तो उन्होंने उन 18 मुद्दों की गल की थी, जो मुद्दे 2027 के चोणों के वेले कांग्रेस वालों वादे के रूप में लोगों नाल किए गए सी। लेकिन इस तो बाद फिर इस चिट्ठी तो बाद एक बार फिर तो हाईकमान ने दखल दिता गा सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच एक अहम मीटिंग उन्होंने वालों करवाई गई है। इस मीटिंग के ऑब्जरवर हरीश चौधरी भी शामिल रहे थे, नाल ही नाल सिक्ख्या मंत्री नवे बने सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह भी शामिल सी। किवें देख रहे हो इस मीटिंग दे विच, इस मीटिंग तो बाद की नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी दूर हुई होगी जां नवजोत सिंह सिद्धू अते सीएम चन्नी दे विच नजदीकियां बन जाणगियां जां फिर दूरियां जी बरकरार रहणगियां, नवजोत सिंह सिद्धू अते सीएम चन्नी दी इस मीटिंग नूं किवें देख रहे हो? देखो जिस तरीके नाल बीते कुछ दिनों तो चरणजीत सिंह चन्नी हुणी वक्त वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह दे धड़े दे जिहड़े विधायक ज साबका मंत्री रह चुके हैं उन्होंने मिल के उन्होंने नाराजगियां दूर कर रहे हैं। तो दूजे पासे चरणजीत सिंह चन्नी वालों रात को जिस तरीके हरीश चौधरी और प्रगट सिंह की मौजूदगी दे विच नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने मुलाकात की गई है, इन्हों उस संदर्भ में वेख्या जा सकता जिस की गल तुसीं कर रहे जे कि ये नाराजगियां दूर करन दी एक शुरुआत हो सकती जो आपसी मतभेद जिहड़े चल रहे हैं, ये जी ओपरी नज़रे वेखन का मुद्दा यह है। ओपरी नज़रे या पहली नज़र जो वेखते हैं तो इस तरह की गल महसूस होंगी है, पर जेकर तुसी इस सारी स्थिति को गंभीरता वेखो और कल जी चिट्ठी जी प्रेस में जी नवजोत सिद्धू टीम वालों रिलीज़ की गई है उस चिट्ठी के कंटेंट के अगर जेकर देखिए तो यह मीटिंग जी और इस मीटिंग हरीश चौधरी का शामिल होना था सब तो वड्डा प्रश्न यही है कि हरीश चौधरी का इस मीटिंग जिहड़े ऑब्जरवर दे जां जिहड़े इंचार्ज लग सकते हैं, हालांकि हरीश रावत इंचार्ज तो वह भी सहप्रभारी जां इस तरह है उन्होंने पहुंच जी लगी है हरीश चौधरी तो उन्होंने इस मीटिंग के शामिल होना और बकायदा तौर पर प्रगट सिंह का इस मीटिंग शामिल होना यह बहुत कुछ अजिहे अर्थ छड़दा कि पार्टी के जिस दिन नवजोत सिद्धू कांग्रेस हाईकमान में मिलकर आए थे नवजोत सिद्धू हुई जिस दिन सोनिया गांधी ना गलबात हुई उस तो बाद राहुल गांधी ना गलबात हुई तो उस मीटिंग के दरम्यान जिस तरीके की प्रजेंटेशन नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार चन्नी सरकार की उत्थे की ही हरीश चौधरी को ये एक जी विचोले की भूमिका जी अदा करनी पई है और जिस करके उन्होंने दोवें जिहड़े इस शिखर के नेता ने इन्हों एक टेबल पर लिया। हुण इहदे विच सब तो वड्डा दूजा प्रसंग हैगा प्रगट सिंह का, प्रगट सिंह क्योंकि शुरू तो लैके अज तक नवजोत सिद्धू के कट्टर समर्थक रहे हैं तो जिस दिन उन्होंने अस्तीफा नवजोत सिद्धू ने दिता ही तो उन्होंने भी नाल अस्तीफा दिता नहीं सी पर उन्होंने मनाने की उन्होंने काफ़ी जी कोशिश की जिदे राजा बणिक का नाम भी आता जिन्हें नवजोत सिद्धू मनाने की कोशिश की कि वह अस्तीफा अपना वापस ला लैन। सो कहने का अर्थ है कि वह चिट्ठी जी 15 तरीक को दी सी और 15 तरीक में उस चिट्ठी के 13 मुद्दे हालांकि 18 की ही गल करना 13 मुद्दे उन्हें पेश किए थे नवजोत सिद्धू ने जिहड़े सोनिया गांधी को दिते तो वह दस्या से कि जेकर सरकार दोबारा आना चाहती है 2017-22 के सानू इन मुद्दों पहल के आधार पर हल करना पवेगा ता ही अं लोगों जवाबदेह होवे। हूँ बड़ी इंट्रस्टिंग गल है, देखो
कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बदलती, चरणजीत सिंह चन्नी आ गए, नवे मंत्री कैबिनेट आ गए, नवे मंत्री महकमे मिल गए, यो मंत्री जिन्होंने चित्रपत रजिंदर सिंह बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, होर यहोजे मंत्री जिहड़े बड़ा उन्होंने दिनों च इन्हां बेअदबियां की गल करते सन, पंजाब के मुद्दे की गल करते सन, हुण वह सारे बंदे चुप ने, कोई मुद्दा कोई गल ते ना 13 ना 18 ना 5 किसी मुद्दे से कोई गलबात नहीं हो रही, सब आपो अपने पोर्टफोलियो लैके आपो अपनी थावां ते खुश हो गए। चरणजीत सिंह चन्नी हुण मुख्यमंत्री बन गए, वह भी चुप, सब इस तरह लग रहा जिवें पंजाब च ना इस वेले बड़ी सुख चैन की जी बंसरी जी बज रही है, पर अजे भी जेकर लोग मुद्दों की गल कर रहे हैं, 18 नुकाती गल कर रहे प्रोग्रामों की, 13 नुकाती प्रोग्राम ने, तो वह केवल नवजोत सिद्धू कर रहा, वो अजे भी पिछे हटने को तैयार नहीं, तो ये पिछे की कारण की है कि वाकया ही वो दिनों इस प्रसंग के नाल जुड़िया, ये प्रश्न जिहड़े हन तां इसे प्रश्न के सिलसिले में जदों वो 13 तरीक को उपेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता एक मीडिया को अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, रिपोर्ट जारी करने तो बाद फिर वो 14 तरीक को दिल्ली जाते हैं, हालांकि उन्होंने पता कि सवेरे मेरी हाईकमान मीटिंग होनी है, तो उत्थे जाके मैडम सोनिया गांधी ने गलबात करते हैं, फिर चिट्ठी देंगे और उन्होंने 13 नुकाती प्रोग्रामों को पूरा करने की मांग करते हैं, तो फिर उस सिलसिले के जी सरकार की चंगी सरकार की कारगुजारी है, इनू प्रश्न चिन्ह ये लगता महज लगता कि इन्ने दिन सरकार को होंद में आया हो गया, तो सरकार वालों कोई भी जत्न उन्होंने 13 नुकाती प्रोग्रामों से नहीं होया, तो जो तो याद होगा जो नवजोत सिद्धू मीटिंग राहुल गांधी ने बाहर करके तो उन्होंने कहा शॉर्ट आउट, तो अज ये प्रसंग सामने आता कि शॉर्ट आउट उन्होंने कहने का अर्थ की सी, शॉर्ट आउट कहने का अर्थ यह कि जी उन्होंने चिट्ठी उदन प्रेस जी दी और जी कल प्रेस को रिलीज की उसके संबंधी उन्होंने भरोसा दिता गया है कि तुहाडी मौजूदगी दे विच पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी उन्होंने ये गल की जाएगी और केंद्र की जी कांग्रेस हाईकमांड उन्होंने वालों जी नुमाइंदगी हरीश चौधरी करेंगे, कहने का अर्थ साफ आ कि अज वो शॉर्ट आउट जो शब्द का मुद्दा वो क्लीयर साफ हों, क्योंकि कल चिट्ठी जारी की जाती प्रेस में और शामी 4-4:30 बजे मीटिंग जी देर आवर च चन्नी और नवजोत सिद्धू की मीटिंग होंगी और बाद कठिया उन्होंने वालों डिनर किया जाता, तो यह बहुत कुछ सवाल अजिहे छड़दे ने कि नवजोत सिद्धू जिहड़े मुद्दों की गल कर रहे कांग्रेस हाईकमान कई बार असं कहने ना चाहते हो भी नवजोत सिद्धू के मुद्दे से उन्होंने खड़ना पैंदा, यह नवजोत सिद्धू की ही एक जित कह सकते हैं कि जिस हिसाब के नाल केंद्र की कांग्रेस हाईकमान में इनवॉल्व हुई है और उन्होंने मुद्दे की ही गल भी हम चन्नी सद के ये गल नहीं हैगी कि आ जाओ जी चाह का काफ़ी का सिद्धू साहब कप पीए तो चन्नी बाई वो भी चन्नी बाई कर चन्नी बाई योजी गल नहीं है, इस मीटिंग हरीश चौधरी का आना और दूजे पास प्रगट सिंह का शामिल होना यह दर्शाता कि कांग्रेस हाईकमान भी उन्होंने 13 नकाती प्रोग्रामों लैके काफ़ी गंभीर आ और ये संबंधी कोई ना कोई फैसले जोड़े ने चन्नी सरकार को लेने पैणगे, चाहे वह बेअदबियां के मुद्दे पर हो, माइनिंग के मुद्दे पर हो, केबल माफिया के हो, शराब की विक्री कुछ ना कुछ उन्होंने हूँ करना पड़ेगा, क्योंकि हूँ क्योंकि इन मुद्दों लैके ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जी गई सी, तो जेकर केवल केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हटाने तो फिर इन्हें ड्रामा करने की लोड़ की सी, सो सरकार कांग्रेस हाईकमान और पंजाब सरकार हुण इन्हां चीज़ों तो बचने वास्ते, क्योंकि महज लोगों ने सवाल उठने हैं जिहड़े सवाल विरोधियों ने उठाने वो सवाल पार्टी प्रधान नवजोत सिद्धू उठा रहा कि हाँ भाई मुख्यमंत्री बदलता नवी कैबिनेट आ गई पर अजे तक वो मुद्दे तो उत्थे उन्होंने संबंधी कोई गल करने को तैयार नहीं, इदां लगता सारे भुल गए ने, तो उन्हें यह अपनी जिम्मेवारी पूर्ण तौर पर भाई वो चिट्ठी जाके कांग्रेस हाईकमान को दी है, सोनिया गांधी ने जबानी गल भी की, राहुल गांधी ने फिर भरोसा दिता कि शॉर्ट आउट उत्तर ता ही गया ही, तो शॉर्ट आउट होया ता ही कल की जी मीटिंग उस प्रसंग से तुम देख सकते जी, उस प्रसंग के ही यह गल्लां बातें हुई ने, जे कांग्रेस हाईकमान ने उत्तों सिकंजा जिहड़ा पेचरा कसिया चन्नी सरकार का, तो चन्नी सरकार को जाना पाया, क्योंकि चन्नी हुण अक्सर ही गल करते कि बहुत दिन हो गए हुण वख-वख थावां ते जाके लोगों को मिलते हैं, पुत्र दा विआह भी हो गया, हुण जिहड़े काम ने जिहड़े 18 नकाती प्रोग्राम नूं लैके तुसीं जंग शुरू की थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गे धाकड़ मुख्यमंत्री नूं तूं थले सुट्टता आप उहदी कुर्सी ते बह के, तो हुण बथेरा चिन्ह हरीमून जिहड़ा हो गया नवीं कुर्सी का, तो हुण फटाफट अपनी जिम्मेवारियां पछाणो, और 18 नकाती प्रोग्रामां दे विच कोई एक दो जां चार मुद्दे जिहड़े बिजली का मुद्दा पीपीए का मुद्दा उन्होंने कोई हल करो, मतलब यह नहीं कि कैबिनेट की मीटिंग करके ऐलान कर दिता जाए तो दूजे पास मनप्रीत की कोठी का जाके उद्घाटन कर आते जी, दूजे पास योजे कभी किसी चले गए कितने चले गए, यह काम नहीं है, काम वो 18 नकाती प्रोग्राम वो ने उन्होंने संबंध, यह नहीं कि मेरा घर मेरे नाम तुम स्कीम शुरू करे जे वाह वाह तुम खट ली, ये ठीक है ये थोड़ी सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, तो काम करो जरूर, पर मुद्दे जोड़े मुद्दे तुम छाल के
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪੜ ਗਏ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਟ ਦਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਊਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੇਕਿਨ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੇਵਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ 4 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਈਵਨ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 13-31 18-31 ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੇ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13-31 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ 18-31 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 13-31 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਖੋ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ADGP ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਸਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 13-31 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ STF ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਰਟ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਲਫਾਫੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਪੇਟ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਰੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ 2-4 ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਾ ਬਣੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1-20 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਵਜੋਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਕਰੋ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕਰੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ
कांग्रेस हाई कमान वास्ते माड़ा सिटे के सारे भुगतने पैने हैं। इतने निजी पत्थर की लड़ाई नहीं है, एक गल मैं क्लीयर करना, इतने नवजोत सिंह को निजी पत्थर की कोई लड़ाई लैके चलता पाया, वो लड़ाई जी लोग मुद्दे की गल करता पाया। हालांकि वो भी ठीक है, खुश हो जाएगा 2022 दोणों लोग वोटा पा देंगे, तो जेकर इस तरीके का कभी उद्घाटन कर लिया, कदम कुछ कर लिया, कदम कुछ कर लिया, ये मुद्दे ज्यों के त्यों खड़े रहे। विरोधियों ने सवाल चुकने चुकने हैं, अपने भी चुकन रहे हैं। और सैकंडली वही गल है कि इन्होंने मुद्दों का अजे तक पंजाब के लोगों को पता ही नहीं सी। नवजोत सिद्धू ने लोगों को यह भी दसता कि वादे किए जो सरकार ने पूरे नहीं किए, ठीक है। लोग जिस तरीके का मर्जी सोचन, विरोधी पार्टी किस तरीके मर्जी सोचन, पर जेकर वह व्यक्ति ये संबंधी आवाज उठाता तो वो शलाघा करनी बनती है। किसी को पंजाब का दर्द तो है, किसी को पंजाब के संबंधी तकलीफ, पंजाब के लोगों की तकलीफ तो हैगी है, पर यह नहीं उसी ले जाके सब कुछ पूछो जी। चर्चा हो सकती है कि बिल्कुल जी बिल्कुल। अज की मीटिंग बहुत कुछ यह संदेश छेगी कि अभी कैबिनेट मीटिंग है भी 9 बजे कि वह की करते हैं कि किसी मुद्दे वो विचारते हैं जोड़ा इस 13 नपाकी प्रोग्राम च हैगा, ये अज पता लगे। पर एक गल साफ तुम मैं दसता कि इस मीटिंग होगा वह कुछ ही है जो अगे हों, एक पास मनप्रीत बादल होगा, क्योंकि चन्नी सरकार की ट्रैजेडी लगती है तो हाथ लगता कि वह मनप्रीत बादल किसी भी सूरत में नाराज नहीं कर सकते, तो ना ही उन्होंने करना। तो यो भी एक सिद्धू और अपने चन्नी के जी नाराजगी है, यह भी एक कारण हो सकता कि जिस तरीके ने वो दो बंद की नियुक्ति जी मनप्रीत बादल वालों करवाई गई थी माननीय समंत्री वालों। तो पूर्व प्रभाव से चरणजीत सिंह चन्नी, मेरा नहीं ख्याल कि 13 नपाती प्रोग्राम के उत्ते चाह के भी कोई गलबात है नवजोत अपने चरणजीत सिंह चन्नी हूँ जिन्हें मर्जी चाहो, क्योंकि इतों क्रैडिट वार जी चलती पी है। और इस क्रैडिट वार वही गल मनप्रीत सिंह बादल ने पहला कभी बोलिया ना, हूँ बोलिया ना कभी कुछ बोला, वो जी टारगेट है जो उसका निशाना वो बड़ी दूर से है, वो बड़ी दूर की है। तो असं कई बार 2022 दोणों से कह दें कि 2022 दोणों से शायद नवजोत सिद्धू मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान देंगे, जी कह दें शायद चरणजीत सिंह चन्नी बहुत लोगों से लोकप्रियता होने, कोई पता नहीं कांग्रेस हाईकमान ने की कर देना कि शायद चुप चपी ते कल कांग्रेस हाईकमान कहते जी मनप्रीत बादल ही पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, देखो जी इन्हों वर्गा शांत बिल्कुल चुप बिना विवादा तो अगला बंदा इन च ही अपना काम कर जूगा। सो कह दिए बड़ी संभावनावान योजना ने यह जो नाराजगिया के दृश्य तुम आ स्क्रीन पर वेखते पे जे, ये नाराजगिया अज के समय करके नहीं है, ये 2022 दोणा जिहड़ियां आ रही वो की कुछ वापर सकता की कुछ हो सकता, ये नाराजगी उन्होंने लैके आ इन जरा इस सारी स्थिति को गंभीरता ना जेकर वाचते जे तो अजिहे प्रश्न सामने आते हैं कि साजिश कितने रची जाती है जा कि चलती प्यादा कोई हों, निशाना कोई हों, ढेरी कोई हो जाता। सो इन स्थितियों के जो भी हो रहा यह तुम मत समझो कि अज की कैबिनेट मीटिंग जी होगी तो नवजोत सिद्धू दिया 13 से 13 नपाती प्रोग्राम हल कर दते जाएंगे। जे 13 नपाती प्रोग्राम हल कर दते जाते जो जा भी कर दते जाते फिर तो नवजोत सिद्धू हीरो बन गया, तो चन्नी सरकार के दूजे कुछ मंत्री कदम नहीं चाहूंगे कि यह क्रैडिट जरा लैजे, वो कहे कि ठीक है इस तरह काम जरा चलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि यह अज की कैबिनेट मीटिंग के कोई अजिहे मुद्दे विचारे जाए जे इस 13 नपाती प्रोग्राम संबंधित रहे, जे होना हों शायद अज तो 2-4 दिन पहला बड़ा कुछ हो गया हों, पर फिर भी जी रात की मीटिंग आ उस मीटिंग नाराजगी हुई दूर या नहीं हुई, पर एक संदेश यह भी मिले कि कांग्रेस हाईकमान जी नवजोत सिद्धू की पिठ से खड़ी है। और जी मान साहब सो अंकित साहब तुम इस पूरी गलबात चैनल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस दौरान प्रोफेसर मनजीत सिंह आनंद साहब जिन्होंने सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की जो मीटिंग हुई उन्होंने विस्तार के बारे में चर्चा की है, सानू उम्मीद है सारे दर्शकों को चर्चा जरूर आएगी। तो चर्चा किवें लगी इस बारे कमेंट करके जरूर दस्यो। अगले प्रोग्राम के फिर होगी मुलाकात, तो तक मैं इजाजत, धन्यवाद।